खुशी तो बहुत है इसी चीज़ की, और सबसे बड़ी खुशी तो यही है कि हाउसफुल रहा पहला शो, और बस यही है कि सब लोग सपोर्ट करते रहे, पूरे आगरा का सपोर्ट था। सबसे बड़ा सपोर्ट था कि अमित भैया का, जिन्होंने बहुत मेहनत करी है हमारे ऊपर, हम दोनों के ऊपर ऑब्वियसली इस मूवी को लेकर, और इसी चीज़ की बहुत खुशी है। कुछ कमी भी देखी है, कुछ ऐसा लगा कि ये सुधार होना चाहिए था? हाँ बिल्कुल, क्योंकि चैलेंजिंग रोल था, क्योंकि मैं देख नहीं पा रही थी इसीलिए, और तो कमियाँ होती हैं हर चीज़ में, बट मज़ा आया देखने में। फिल्म में ही नहीं देख पा रही थी, लेकिन अभी देखा तो हाँ बिल्कुल यही था। कुछ टेक्निकली कुछ सुझाव देना चाहेंगी प्रोड्यूसर को? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हम लोग बस, ये फर्स्ट मूवी थी मेरी, बट ये है कि हाँ यही कहूँगी कि जो भी था सबने बहुत मेहनत करी, 100% नहीं बोलेंगे कि हाँ बहुत अच्छा था, बट बहुत ही ज़्यादा हमने 100% दिया, बस इतना था। मोहब्बत एक दास्तां, ये आगरा के ही, आगरा की मूवी है, इसमें आगरा के ही सब लोकल कलाकार हैं, लेकिन किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा था कि आगरा के कलाकार हैं, सभी में प्रतिभा कूट कूट कर भरी हुई है। सभी का रोल, विशेषकर ठाकुर जी का रोल, तो ऐसा लग रहा था कि हमें कहीं बम्बई से कोई कलाकार बुलाए हैं। छोटा सा रोल मेरा भी था। देखिए जो यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं सब, कोई भी प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि सभी के अंदर एक प्रतिभा है और एक शौक था, जिसको कि हमने यहाँ पर पर्दे पर दिखाया और सभी ने खूब सराहा। आपने खुद स्टेज पे कभी किया? स्टेज पर मैंने कई बार प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन मूवी में एक्टिंग फर्स्ट टाइम की थी, और मेरी सभी से उम्मीद है कि आगरा में ऐसी मूवीज़ या सीरियल्स भी बनते रहें, और जो यहाँ के कलाकारों को अवसर नहीं मिल पा रहा है बम्बई में, उनको अवसर दिया जाए और उनकी प्रतिभा को निखारा जाए। ये आगरा में मुकेश जी द्वारा, और जो आगरा के हमारे कलाकार हैं शुभी भास्कर और अभी शर्मा और मुकेश महसूल जी द्वारा, आगरा के जो हमारी, जैसे आगरा में ताजमहल बहुत पूरे विश्व में हमारे यहाँ पहचान है, उसी तरह हमारे आगरा में हमारे बच्चे जो आगरा के, उनमें बहुत कलाकार का टैलेंट है, उसको इस माध्यम के द्वारा दिखाया गया है। उन्होंने ये पिक्चर बेजुबान मोहब्बत, जो कि आज पहला गोल्ड में इसका शो था, आगरा के सभी नागरिकों ने देखी है और बहुत अच्छा प्रयास है। हमारी तरफ से उनको शुभकामना है कि वह निरंतर फिल्म इंडस्ट्री में अपना मुकाम काबिल करें। बहुत ही शानदार मूवी मरी है, सब कलाकारों ने बहुत ही अच्छा रोल करा है। ये आगरा के लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे मुकेश भाई ने ऐसी पिक्चर बनाई है, और जो आगे के लिए प्रेरणा रहेगी सबके लिए, और आगे और लोगों को बनाने के लिए प्रेरणा देती रहेगी। वो बहुत अच्छी मूवी है, सबको देखना चाहिए। बहुत बढ़िया रोल लगा, और मैं देख कर गदगद हूँ, बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, क्योंकि सारे अपने ही लोग उसमें दिखाई दे रहे थे, जिनके साथ हम रात और दिन बैठते उठते हैं, और इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि जैसे कि इतने रोल उसमें था, और इतनी अच्छी कलाकारी थी जैसे कोई एक प्रोफेशनल हुआ करते हैं, और इतनी अच्छी अदाकारी थी कि ऐसा लग रहा था कि कितनी ट्रेनिंग के बाद ये की गई है, जबकि मैं खुद स्वयं जानती हूँ कि इसमें कोई ट्रेनिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी गॉड गिफ्ट उनको, जो कलाकारी की जो उनको गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, सारी कलाकारी गॉड गिफ्ट पर ही आधारित थी। बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ कि आगरा के लिए ये एक बहुत सुनहरा अवसर है, आगे हर एक तरह की कला के लिए प्लेटफॉर्म है, चाहे वो कोई भी कला हो, गायन को लेकर हो, पटकथा को लेकर हो, कथानक को लेकर हो, या किसी भी अदा को लेकर हो। काफ़ी खुशी है सर, और सबसे बड़ी बात यह है कि आगरा के लोगों ने पूरा सपोर्ट किया, हाउसफुल था, तो इससे अच्छा मेरे लिए क्या हो सकता है। बस सभी से बस यही प्रार्थना है कि सब आशीर्वाद बनाए रखें पूरा शहर हमारे ऊपर, और आगे जो भी फिल्में आएँ उसमें पूरा सपोर्ट रहे। मैं सर बताऊं कि हाँ जो है मूवी, जब तक शूट स्टार्ट नहीं होता तब मैं मानता नहीं हूँ कि मूवी आए नहीं आए, बट ये है कि जो भी आएगी इसके, अभी हम दोनों के और भी प्रोजेक्ट हैं, अभी हम मुंबई निकलना है, काफ़ी बस प्रीमियर के लिए आए थे, बाकी जो इनके फादर हैं वो राइटर हैं सर, तो उनकी भी स्टोरी तैयार रखी हुई है, तो जहाँ वर्क होगा सर वहाँ वर्क करना। काफ़ी चैलेंजिंग रोल था, पूरी मूवी में मैंने मारी खाई है, लास्ट में थोड़ा जोश आया जब इस पर किसी ने हाथ उठाया, तो बस वही था, अच्छा लगा, काफ़ी चैलेंजिंग रोल था। मेरा नाम आरबी भास्कर, रामबीर भास्कर। क्या कहना चाहेंगे? इस मूवी को, मतलब इस स्क्रिप्ट को जब मैंने लिखा था, तो उस समय एक मेरे लिए एक कल्पना थी
और जब मैंने आज इसको देखा है तो वो कल्पना मुझे यथार्थ में लग रही थी, तो मुझे बड़ा संतोष मिला कि जो मैंने लिखा वो यथार्थ में कितना अच्छा लग रहा है। तो और मैंने यहाँ देखा है कि ऑडिशंस बहुत लोग आए हुए हैं देखने वाले, उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और ख़ास तौर से जो हमारी जो मीडिया है इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और अपनी पूरी बेजुबान टीम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और मुबारकबाद देता हूँ। और मेरी प्रयास यही रहेगा कि मैं इस तरह के काम और आगे बढ़ाऊँ, कोशिश और भी है, मैंने दूसरी स्क्रिप्ट लगभग तैयार है जिसका नाम मैं ओपन जी हाँ उसके थैंक यू। बहुत अच्छी मूवी रही और बहुत अच्छी कोशिश की आगरा के लोगों ने और सारे कैरेक्टरों ने 100% दिया अपना, और आगे भी ये और प्रोजेक्ट करेंगे अभी, और शुभी ने और अभी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की और ठाकुर जी ने भी अच्छी एक्टिंग की। बहुत अच्छा प्रयास रहा आगरा के हिसाब से, बहुत अच्छी मूवी बनाई है और पहला शो हाउसफुल रहा यहाँ भी, भगवान टॉकीज में भी, शांति सिनेमा में भी। आगरा के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, मतलब मेरे को तो कल से इतना एक्साइटमेंट रहा है कल से कि समझ में ही नहीं आ रहा कि मतलब 3 साल से हम लोग लगे हुए थे सारे लोग और इंतजार था, अब फ्लोर पे मूवी आई, बहुत अच्छा लगा।